अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मैंगलोरियन स्टाइल मसाला फिश फ्राई। ये जो फिश फ्राई है ना, बहुत टेस्टी बनती है और इसके मसाले का टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसके लिए मैंने ये 4 पीस फिश के लिए है। ये मैंने किंग फिश ली है, आप अपनी पसंद से कोई भी फिश ले सकते हैं इसमें। और ये वेट में 400 ग्राम है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो ये मैंने लिया है 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 3 पिंच लिए मैंने हींग। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। तो इन मसालों को हम सबसे पहले फिश में ऐड कर देते हैं। तो ये जो मसाले दिए हैं इन्हें हम मिक्स कर लेंगे, पहले इस तरह से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद इसे फिश में हम लगा देंगे। बहुत अच्छे से हमें फिश के ऊपर इन मसालों को रब करना है। और साथ ही में इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। मैंने एक लेमन लिया है, छोटे साइज़ का लेमन था, तो ये मैं पूरा एक लेमन यूज़ करूँगी इस पर। अगर आप बड़े साइज़ का कोई लेमन ले रहे हैं तो आप सिर्फ 1/2 लेमन जूस ही इसमें ऐड करें। तो ये देखिए, लेमन जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इस तरह से अब हम फिश के ऊपर मसालों को अच्छे से लगा देंगे। तो ये देखिए, जितने भी मैंने मसाले ये लिए थे, हल्दी, नमक और नींबू, इसे बहुत अच्छे से मैंने फिश के ऊपर लगा दिया। इसे 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं। जब तक ये 10 मिनट के लिए मैरिनेट हो रही है, जो बाकी के जो मसाले हैं उसे भी हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, करीब 1 टीस्पून तक ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें जो है मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है, 1 टीस्पून जो है काफ़ी है इसमें। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। ये मैंने लिया है 2 टीस्पून साबुत धनिया, इसे इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे मैं 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून अजवाइन। और इन सब मसालों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। फ्लेम को स्लो ही रखें, स्लो फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट करें। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबुत लाल मिर्च। ये मैंने 6 साबुत लाल मिर्च ली है, इसे ऐड कर देंगे। ये जो मैंने मिर्च ली है ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो ये देखिए, ये मसाले जो है ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इसमें से बहुत अच्छी से खुशबू भी आने लगी है और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, जो मसाले मैंने ड्राई रोस्ट किए थे उसे मैंने एक ग्राइंडर जार में ऐड कर लिया है। और साथ ही में इसमें हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन। ये मैंने 2 इंच का अदरक का पीस लिया था, उसे ऐड कर देंगे इसमें। और करीब 10 से 12 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है। ये मेरे पास छोटी छोटी लहसुन था, इसलिए मैंने 10 से 12 कलियाँ ली है। अगर आपके पास बड़ा लहसुन है तो करीब 6 से 7 कलियाँ ही लें। और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे इमली। ये मैंने इतना बड़ा इमली ली है, ये देखिए। इमली की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो इसमें इमली और लेमन ऐड किया है उसकी क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो थोड़ा कम ऐड करें। तो चलिए, इसका हम अब पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने मसाले को पीस लिया है, इसका बहुत अच्छे से पेस्ट बना लिया है। देखिए, अब इस मसाले को हम फिश पे लगा देंगे। तो ये जो फिश मैंने मैरिनेट करने रखी थी, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब इस पर इस मसाले को लगा देते हैं। पूरा मसाला नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। इस तरह से हाथ से लगा दें। और फ्रेंड्स, इस फिश फ्राई को आप ज़रूर ट्राई करें। ये मसाला फिश फ्राई बहुत टेस्टी बनती है और मेरे चैनल पे आपको कई तरह की फिश फ्राई की रेसिपी मिल जाएगी। और मुझे अपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताया कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। और साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए, मैंने फिश पे जो है मसाले को लगा दिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी सी मैंगलोरियन स्टाइल मसाला फिश फ्राई। तो ये देखिए, ये मैंने पैन ले लिया है, पैन में ऐड कर लेंगे ऑयल।
ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। करीब मैं 3 टेबल स्पून तक ऑयल ऐड करूँगी उसमें। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम फिश को ऐड करेंगे। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देंगे फिश को। इसका मसाला बच जाएगा, उसे हम बाद में यूज करेंगे। और एक साइड से फिश को जो है ना करीब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम पे रखें। तो ये देखिए फिश को मैंने एक साइड से करीब 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह का कलर आया है। देखिए बहुत अच्छे से फिश फ्राई हो चुकी है, इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन का कलर आया है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से करीब इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए फिश फ्राई हो चुकी है और फिश को बहुत अच्छा कलर आया है। दोनों साइड से मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आया है। अब जो ये फिश के पीसेस हैं इसे हम निकाल लेते हैं। तो जो फिश के पीसेस थे उसे मैंने निकाल लिया है और अब इसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से करी लीव्स, जो करी पत्ता होता है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। करीब 7 से 8 ऐड कर दें, काफ़ी है ये। और साथ ही में जो मसाला था बाकी का वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए कि बहुत ही मज़ेदार सी ये मसाला फिश फ्राई होगी। और जो फिश के ऊपर हमने मसाला लगाया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे जो बच गया था। इस मसाले को अच्छे से कुक कर लेंगे और इसमें नमक और ऐड कर दें। नमक ऐड करते हुए आप ध्यान रखें कि जो हमने फिश मैरिनेट करी थी जब, तो उस टाइम पे भी हमने नमक ऐड किया था, इसलिए नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें इसमें। और इस मसाले को बहुत अच्छे से हमें पका लेना है। तो ये जो मैं मसाला भून रही हूँ ना, इसे पकाना बहुत अच्छे से देर तक पका लेना है, क्योंकि फिश के साथ ज़्यादा देर तक पकेगा नहीं। और इसमें जो अदरक लहसुन और धनिया वगैरह डाला है, अगर थोड़ा भी कच्चा रहेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे आप अच्छे से पका लें। अगर आपको लगता है इसमें पानी कम है तो पानी डालने के बाद इसे अच्छे से भून लें। तो ये देखिए ये बन के बस तैयार ही है। थोड़ा सा और इसे हम ड्राई करेंगे, उसके बाद इसमें हम फिश ऐड करेंगे। क्योंकि ये मसाला फिश फ्राई है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहेगी। ये जो मसाला मैं बना रही हूँ ये फिश के ऊपर अच्छे से लग जाना चाहिए। तो हल्का सा और ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम फिश ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने मसाले को बहुत अच्छे से पका लिया है और इसमें से बहुत अच्छी से खुशबू भी आने लगी है और ये ड्राई भी हो गया। तो बस अब इसमें जो फिश के पीसेस हैं उसे ऐड कर देंगे। और जो ये हमने फ्राई किया था फिश को, उसका जो ऑयल है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और जो ये मसाला है इसके ऊपर इस तरह से लगाते रहें। तो ये देखिए करीब 1 मिनट तक मैंने इसी तरह से इसे पका लिया है। अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे इस तरह से, जो हमने ये मसाला लगाया है ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छे से मसाला इस पर लगा हुआ है। तो इसी तरह से हमें इसे कुक कर लेना। तो ये देखिए फिश जो है फ्राई हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें जो ये मसाला है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखिए आप, और गैस को मैं बंद कर देती हूँ, ये बिल्कुल रेडी है। और इसे अब हम निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। आप देखिए कितनी अच्छी दिख रही है फिश फ्राई। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मैंगलोरियन इटालियन मसाला फिश फ्राई की रेसिपी? है ना मज़ेदार सी? इसका जो मसाला है वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इंजॉय करें मसाला फिश फ्राई विद शिवाज किचन। थैंक यू।